क्यों दुआ का मौजू रमदान से इतना रिलेटेड है? आप में से कौन बता सकता है कैसे? अगर आप पास करेंगे तो मैं ही बता दूंगा फिर। अच्छा, घबराने की कोई बात नहीं है, रॉन्ग आंसर्स को कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। जी चल, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीह अल-क़ुरान, अल्लाह ने इस आयत के बाद जो है जो आयत उतारी है सूरह में वो यही थे कि उजीबु दावत दाई। माशाल्लाह, भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगर आप कुरान में सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 183 से 187 पढ़ें तो रमजान और रोजों के मुतालिक आयतें चल रही है, उसके दरमियान में आयत नंबर 186 खास तौर से दुआ के मुतालिक है। इसमें हम यह देखते हैं कि रमजान का खास ताल्लुक दुआ से है, और सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला ने फरमाया वइदा सालका इबादी, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे अन्नी फैनी करीब, तो उन्हें बताओ कि मैं उनके करीब हूं। उजीबु दावत दाई दादान, मैं हर पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं जब भी वो मुझे पुकारता है। तो हम देखते हैं कि ये आयत जो रमदान के मुतालिक आयतों के दरमियान में है, इस आयत की कॉमेंट्री में तफसीर में स्कॉलर्स ने ये बात बताई है कि खास ताल्लुक है दुआ का रमदान से, और उस वजह से अल्लाह ताला ने रमदान के मौजू के अंदर खसूसी तौर पर दुआ के मुतालिक इस आयत का जिक्र किया है।